नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुख करते हैं खास खबरों की ओर। चलिए बात करते हैं झांसी की, जहां मौर तहसील में आज कोरोना के दौरान बंद विद्यालय द्वारा फीस वसूलने के मामले को लेकर भाजपा के पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मौर उप जिलाधिकारी को विद्यालय द्वारा वसूली की जा रही फीस माफी के संबंध में ज्ञापन दिया। आपको बता दें, मामला मौर तहसील प्रांगण का है, जहां भाजपा के पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी सुरजीत राजपूत अपने भाजपा समर्थकों के साथ मौर तहसील जा पहुंचे, जहां उन्होंने दर्जनों भाजपा समर्थकों के साथ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कोरोना के दौरान बंद विद्यालय द्वारा जबरन फीस वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों को निर्देशित किया जाए कोरोना के दौरान बंद विद्यालयों की फीस छात्र छात्राओं के अभिभावकों से न वसूली जाए, साथ ही जिन अभिभावकों से फीस ले चुके हैं उनका समायोजन किया जाए, जिसके संबंध में उन्होंने लिखित रूप से दिए गए ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी से मांग की है। साथ ही सुरजीत राजपूत ने कहा कोरोना के दौरान बंद विद्यालयों की अगर फीस माफी नहीं की गई तो वो मौट तहसील से मैं अपने भाजपा समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। यहाँ उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है आपके द्वारा, क्या है पूरा मामला और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह राजपूत है, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कोरोना काल में स्कूल बंद रहे हैं। जब स्कूल बंद रहे हैं तो फीस किस चीज़ के लिए जा रही है? सारे जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये क्लास बढ़ाने के नाम पे बराबर अभिभावकों से फीस ले रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि हम आपकी क्लास तब बढ़ाएंगे तब आप उसको दो, जब से कोरोना काल से स्कूल बंद रहे तब से उसकी फीस मिल जाए। और मैं चाहता हूँ, मैंने SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि सभी बच्चों की कोरोना काल से जो स्कूल बंद रहा है सभी की फीस माफ़ होना चाहिए, और जिन अभिभावकों से भी फीस ले चुके हैं उनको आगे समायोजन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूँगा। तहसील मौट में करूँगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में रहेंगे। अभी क्या कहा आपने? उन्हें कहा है, कोई सही जवाब नहीं दिया कि BSA साहब को देना चाहिए, ABSA साहब को देना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारे आप मुखिया हो, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको भी पता होना चाहिए कि तहसील में क्या हो रहा है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।